वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उमरा की सआदत हासिल करने के बाद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब ने अपने अहले खाना के हमराह सऊदी अरब में 7 रोज़ क़याम किया। ख्वाजा बरादरान का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मुकम्मल। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल में साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की आज एहतसाब अदालत में पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, एहतसाब अदालत के इतराफ में रास्ते खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। नए अस्पताल में नई बीमारी, दिल और गुर्दों के बाद नवाज शरीफ की कमर में दर्द। साबिक वज़ीर आज़म ने रात जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में गुजारी। वीआईपी ब्लॉक में कमरा नंबर 5 में मुंतकिल करने की तैयारी। हंगामी बुनियादों पर सीलिंग और ताज़ीन और आराइश का काम जारी। रिहाई का परवाना मिलते ही घर को वापसी। शहबाज शरीफ की रात गए इस्लामाबाद से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर कारकुनान की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर्स सख्त सिक्योरिटी में अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। आज जिना अस्पताल में बड़े भाई से मुलाकात का इम्कान। फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से सताए शहरियों ने हाईकोर्ट से रजू कर लिया। चौधरी एडवोकेट की जानिब से हाईकोर्ट में दरखास्त। 333 से जायद फैक्ट्रियां शहर से बाहर मुंतकिल करने की सदा। पंजाब पुलिस में तब्दीली, सूबा भर में कायम अम कमेटियां खत्म। अम कमेटी की जगह हर पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बनाने की हदायत। वकला, सहाफी, रिटायर्ड जजेस और अफसरान शामिल होंगे। मुरासला जारी। और बादलों से फिर बरसने की तैयारी कर ली। कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ईरान से आई पानी से भरे बादल शहर पर बरसेंगे। शहर और गिरदोनवा में छाई, धुंध भी कम होने लगी। लाहौर से शेखुपुरा तक मोटरवे 4 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी गई।